हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी मस्जिद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से भी ज़्यादा कदीम और ज़्यादा पुरानी है। आइए आपको मस्जिद एक्सप्लोर कराते हैं। इस मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। आमतौर पर लोग इसे पटौदी मस्जिद के नाम से जानते हैं, परंतु ये शाहजहानी मस्जिद है क्योंकि शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। जब शाहजहानाबाद और दिल्ली का शाहजहानाबाद बसाया जा रहा था जामा मस्जिद बसाने से पहले, तो यहाँ पे कला महल था जिसमें शाहजहां रुके थे, रहा करते थे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों के लिए इस मस्जिद का निर्माण कराया था। तो आप कह सकते हैं शाहजहानाबाद की पहली शाहजहानी मस्जिद है ये, और इसे आमतौर पर लोग पटौदी हाउस या पटौदी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पटौदी मस्जिद के जानने का रीज़न ये है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद हरियाणा के नवाब पटौदी ने यहाँ पर एक ज़मीन खरीदी थी, वहाँ पे कोठी बनाई थी, उसे लोग पटौदी हाउस या पटौदी कोठी कहते थे। तो फिर उसी के नाम से मस्जिद को पटौदी मस्जिद के नाम से जानने लगे। मस्जिद बेहद खूबसूरत है, सफ़ेद रंग की मस्जिद है और उसके अंदर हरे वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। हरे रंग का होज़ का पानी नज़र आ रहा है, हरे ही मस्जिद के दरवाजे हैं और आप देखो 3 गुंबद हैं। जो मुख्य गुंबद है उस पर हरे रंग की पट्टी आई हुई हैं और पट्टियों के बाद नीचे गुंबद के बेस में बहुत अच्छी फूल बने हुए हैं, कारीगरी की गई है और गोल्डन कलर का बेहद खूबसूरत ऊपर कलश लगा हुआ है इन्वर्टेड लोटस के ऊपर। आइए अंदर चलते हैं। मस्जिद के 3 मेहराब हैं, तीनों मेहराब पे बहुत ही बारीकी, बहुत ही महीन कारीगरी का काम किया गया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फूल बेल बूटे और पत्तियाँ बनाई गई हैं। यहाँ देखिए मेहराब के अंदर किस तरीके से कारीगरी की गई है। आप देखिए छोटे से बूटे से आप समझिए, एक छोटा सा फूल का बूटा कितना दिलकश लग रहा है और इसे बनाया गया। इसी तरीके से फिर ऊपर भी धीरे धीरे फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं पूरी सर्किल के अंदर। फिर अंदर कार्विंग की गई है पत्थरों के अंदर और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बूटे बनाए गए हैं, छोटे छोटे फूल इस तरीके की डिज़ाइनिंग, फिर छोटा फूल, एक बेल बूटा, पत्तियाँ निकली हुई, फिर ये मेहराब की संरचना माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है। बहुत अच्छा कारपेट बिछा हुआ है, इमाम साहब का मेंबर है। ये मुख्य गुंबद है, मुख्य गुंबद के नीचे अष्टकोणीय संरचना बनी हुई है स्क्वायर के ऊपर अष्टकोणीय संरचना है, उसके अंदर 8 छोटे छोटे मेहराब बने हुए हैं जो बेहद दिलकश लगते हैं। और एक ये देखिए मेहराब जो है, मेहराब की मोटाई कितनी है आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ये मेहराब कितना मोटा है। तो पहले ज़माने में पत्थरों से मस्जिद का निर्माण किया गया है तो किसी पिलर की आयर ज़रूरत ही नहीं है। जब मेहराब की मोटाई इतनी है तो दीवार की मोटाई कितनी होगी अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इस मेहराब के ऊपर देखिए ये डिज़ाइन और ये फूल पत्तियाँ किस तरीके से बारीकी से काम किया गया है उस ज़माने में, जबकि इतने आधुनिक औजार भी नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल सादगी और नफासत, बिल्कुल महीन कारीगरी का काम किया गया है। नमाज के औकात लिखे हुए हैं और इमाम साहब का पल्पिट है जिस पर खड़े होकर जुमे का खुतबा दिया जाता है, सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है और कारपेट बेहद खूबसूरत और दिलकश लग रहा है जो कि इस पर लगाया गया है। आप इसे दिल्ली की पहली शाहजहानी मस्जिद कह सकते हैं। इस तरीके से बाकी साइड के जो दो गुंबद हैं वो थोड़े सादे हैं, मुख्य गुंबद में ज़्यादा कारीगरी की गई है, साइड वाले गुंबद सादगी से हैं। आइए आपको मस्जिद के छत के ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ से थोड़ा दिखाते हैं। बेहद दिलकश लग रहा है, मस्जिद के आंगन में होज, काफ़ी ऊंचाई पे मस्जिद बनी हुई है। आपको मस्जिद छत पे लेके चलते हैं, देखिए किस तरीके से गुंबद बनाए गए हैं। जो गुंबद हैं मैंने आपको दिखाए, मस्जिद के जो तीनों गुंबद हैं, फिर गुंबद के बाद देखिए यहाँ पे एक छोटे से पिलर खड़े किए हैं, मीनार ये आप कह सकते हैं। ये 4 पिलर, 2 इधर हैं 2 उधर हैं। इस पिलर के ऊपर तो गोल गुंबद और बना हुआ है, शायद इसका टूट गया है वक्त के साथ साथ। आप इधर आइए मुनीर भाई, आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है काफ़ी पुरानी मस्जिद है लेकिन कुछ टूट फूट हो गई है। जैसे आप इसे देखो, ये है, इसके ऊपर शायद कोई फूल पुष्प या कुछ रखा हुआ हो, वो अब नहीं है। इसी तरह बीच वाला है और गुंबद पे देखो कितना खूबसूरत, ये वाला फूल देखो कितना प्यार लग रहा है और हरे रंग की ये पट पेंट किया गया है। और वेंटिलेशन के लिए ना पहले क्या होता था देखो, आप डबल गुंबद आप कह सकते हैं, गुंबद के ऊपर गुंबद है आप देखिए, इसे आप डबल गुंबद होते थे।
नहीं, पहले जो गुंबद उसकी छत ये है, फिर उसके ऊपर मेन गुंबद है। कितना खूबसूरत लग रहा है गुंबद यहाँ से। अगर आप कभी आना चाहते हैं ना पटौदी इस मस्जिद में, तो आप रिक्शा कर लेना, पटौदी हाउस का मिल जाएगा आपको, वरना चांदनी चौक में कस्तूरबा गांधी अस्पताल है उसके बैकवर्ड वाले रोड पे, उसके जो बैक साइड है, मेन गेट नहीं, उसके बैक साइड में ये रोड है, वहाँ पर ये मस्जिद स्थित है। और देखो इसके ऊपर कभी कुछ कुछ बना होगा, वो होगा पुष्प होगा या कोई कलश रखा होगा, वो टूट चुका है। और यहाँ से हौज़ कितना खूबसूरत और कितना दिलकश लग रहा है। और हौज़ के बीच में आप देखो मेन फाउंटेन है सफ़ेद संगमरमर का, ये पहले ज़माने का बना हुआ, जब चलता होगा कितना दिलकश लगता होगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है, मेन फाउंटेन के अलावा छः, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 मेन पाइप लगे हुए हैं, शायद ये फाउंटेन चलाते होंगे, ये फाउंटेन है जो अभी ने चलाया जाता होगा, क्योंकि वहाँ नल भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और नल भी लगा हुआ है और अलग अलग फाउंटेन छोटे छोटे बनाए गए हैं, और सफ़ेद संगमरमर के पटरे बने हुए हैं जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। ठंडे पानी की मशीन मस्जिद के अंदर अवेलेबल है, और ये बेहद खूबसूरत मस्जिद है, आप कभी भी आएँ इसे ज़रूर आएँ। आप हमारे वीडियो को, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। आप हमारी वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।